वंदे मातरम, सुस्वागतम। आज आठवीं कक्षा जो ऑनलाइन कक्षा है उसमें आपका स्वागत है। मैं समंदर सिंह हिंदी विषय का आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो इसके लिए जैसे आपने सेवंथ कक्षा उसकी परीक्षाएं जैसे भी होनी थी हो चुकी, अब आप क्रमोन्नत हो चुके हैं, अब आप आठवीं में हैं, तो आठवीं के आधार पर मैं आपको अपने विचार बता रहा हूँ। तो इसमें अभी आपके जो NCERT कोर्स हैं वो लागू होगा, तो वो अभी किताबें उपलब्ध नहीं हैं या आनी है, तो तब तक अपने जो व्याकरण है जो आपको पता ही है कि बेसिक है, मतलब कि आधार कोर्स है जो हर समय और हर जगह NCERT हो चाहे कोई भी हो वो तो काम आएगा ही, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज आपको मैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द जो होते हैं, शब्द के प्रकार होते हैं विकारी और अविकारी, वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो विकारी शब्द आपको पता है ना, जैसे आपको सेवंथ में भी पढ़ाया होगा सर ने कि विकारी शब्द में आपके जैसे लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पर जो परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जिनमें इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। जैसे उदाहरण देख लो कि विकारी शब्दों में आपके उदाहरण होंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। जबकि अविकारी शब्दों में आपके उदाहरण हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, सकारात्मक या नकारात्मक वाक्य जो होते हैं वे, ठीक है। तो विकारी और अविकारी दो प्रकार हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ विकारी के बारे में। विकारी में आपके जैसे अभी उदाहरण बताए थे तो उसमें पहला पॉइंट है संज्ञा, तो संज्ञा के आधार पर ही आपके आज अध्ययन वो चलेगा, संक्षिप्त पढ़ाई चलेगी। जो भी आपको बताया जाता है यहाँ पर उसको आप घर पर बैठ कर अध्ययन भी करें, इससे संबंधित और जानकारी जो है वो भी आप देखें, घर पर जो आपके पास पुरानी किताबें हैं उनसे भी अध्ययन कर सकते हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनके पास जो किताबें हैं उसका भी आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये छुट्टियाँ मजबूरी वश की गई लेकिन फिर भी हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना। तो अब संज्ञा, तो जैसे बताया कि संज्ञा जिन शब्दों के द्वारा हमें जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, सेवंथ में भी पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी ये आपके आठवीं का कोर्स भी यही है, तो इसलिए पहला टॉपिक है संज्ञा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बेसिक कोर्स है जो हमेशा आपके काम आता है। तो उसके आधार पर यह कि जैसे नाम के आधार पर कहें तो जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं, राम, प्रेम, भरत, तो ये सब क्या है? नाम है। तो जैसे सबसे पहले बताया था ना कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो व्यक्ति के आधार पर ही हो गया। फिर है आपके संज्ञा के प्रकार देख लो, पहले आप व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है और भाववाचक होता है, ठीक है। तो जातिवाचक के आपको पता होगा, बहुत बार बताते भी हैं कि दो भाग होते हैं, मतलब जातिवाचक को अगर दो और भागों में बांटा जाए तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दो स्तर पर उनको बांट सकते हैं। यहाँ द्रव्य है, द्रव नहीं है। द्रव का मतलब होता है जैसे जल, तेल, ये, जबकि द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, पदार्थ यानी कि वस्तुएं। ये आपको उदाहरण बहुत बार बता भी चुके हैं कक्षा में। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि जिन संज्ञा शब्दों के जो द्वारा एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि बता दिया राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न या अन्य भी कोई भी नाम है, वे सारे इसी में आएंगे। फिर है अब किन किन में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है वो आप देख लो, कि जैसे व्यक्तियों के नाम होते हैं उसमें भी व्यक्तिवाचक, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा तो रख लिया नाम, लेकिन इसका अर्थ इतना नहीं है कि सिर्फ व्यक्तियों के नाम होंगे बल्कि नाम और भी हैं, तो कौन कौन से हैं वो बता रहा हूँ। तो पहला है जैसे व्यक्तियों के नाम, दूसरा हो गया आपके नदी है, पर्वत है, सागर यानी समुद्र, ठीक है, इनके नाम जैसे गंगा, अरावली, हिंद महासागर, हिमालय, ठीक है। फिर आपके नगर, राज्य व देशों के नाम, वो भी इसी में आएंगे, नगर का नाम जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। फिर राज्य जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये सब। फिर आपके देशों के नाम,
जैसे अपने देश का नाम है भारत, वैसे ही श्रीलंका, वैसे ही जर्मनी, तो ये सब देशों के नाम। फिर आपके इसमें और भी ये चौथा पॉइंट है, दिन, महीने और वर्ष के नाम, बल्कि जो हम समय की गणना करते हैं वो समय भी इसी में आएगा, ठीक है। दिन, महीने और साल या वर्ष, इनके जो भी नाम होते हैं वे सब भी इसमें। दिन का मतलब वार, जैसे सोमवार, शुक्रवार, कुछ भी। फिर है महीने, तो चाहे चैत्र वैसाख ऐसे कहो या जनवरी फरवरी कहो, सारे मतलब महीनों के नाम ही होंगे और वे इसमें आएंगे। फिर है वर्ष के नाम, मतलब जैसे कोई भी विशेष वर्ष होता है उसके बारे में, तो वो भी इसी में आएंगे। फिर आपके त्यौहार, उत्सव व पर्वों के नाम, वो भी इसी में आते हैं। जैसे वो धार्मिक आधार पर होते हैं वे भी, या जो भी, वे सब इसी का एक भाग होते हैं। तो उनके नाम जो होते हैं ना, मेलों के नाम या जो भी, वो सब इसी में आएंगे। फिर है दिशाओं के नाम, दिशाएं कितनी होती हैं, बहुत बार बताया ना कक्षा में, 10 दिशाएं होती हैं, तो सारे नाम भी इसी में आएंगे। फिर आपके ऐतिहासिक युद्ध वगैरह जो हुए इतिहास में, भूतकाल में, तो वे सब भी, उनके नाम हैं वो भी इसी में आएंगे, और आगे होने वाले जो भी हैं वे भी इसी में। जैसे अभी हम कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक युद्ध ही है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, कोरोना संग्राम। फिर आपके ऐतिहासिक स्थलों के नाम, जो भी हम पर्यटन या घूमने की दृष्टि से जाते हैं वे सारे स्थान, वो भी इसी में आएंगे, उनके नाम भी इसमें आए थे। फिर आपके ऋतुओं के नाम, ऋतुएं कितनी होती हैं, वैसे हम बड़े तौर पर तीन मानते हैं लेकिन होती छः है, क्योंकि जैसे टोटल 12 महीने हैं, तो 12 महीनों में दो दो महीनों की ऋतुएं होती हैं, तो इसलिए 6 ऋतुएं होगी, दो दो महीने की प्रत्येक। ये था व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब कि इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस किस में आएगा ये बताया गया। अब इसका दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द होते हैं उनके द्वारा एक जाति के सभी पदार्थों या उनके समूह का बोध होता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे स्त्री कह दिया, अब स्त्रियों में सारे संसार की स्त्रियाँ वो शामिल हैं, पुरुष सारे संसार के पुरुष। फिर कह दिया पर्वत, सारे पर्वत, हिंदू, हिंदू कौन है, हम सब जो भारत में रहते हैं, जो ज़्यादातर प्राचीन अगर निवासी माने तो वो हिंदू ही है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म, वैदिक धर्म, वे सब मतलब हिंदू में आते हैं। वैसे ही कोई पशु का ले लिया, जैसे गाय, घोड़ा, ये सब भी उस जाति में ही आएंगे। अब आपके किस 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 में इनका प्रयोग होता है जातिवाचक संबंधों में, तो सबसे पहला है संबंधों के नाम, जैसे हम कहते हैं माता पिता, पति पत्नी, भाई भाई, तो ये सब संबंध है, इनके जो नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा का एक भाग होता है, उसी में आते हैं। फिर आपके पद व्यवसाय के नाम, जैसे अपने विद्यालय में भी पद होते हैं ना, व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य जी या उप प्रधानाचार्य जो भी, तो ये सब मतलब किस में आएंगे, पदों के नाम, क्योंकि व्यवस्थापक कोई अपने एक विद्यालय में नहीं, हर विद्यालय में होते हैं, तो इसलिए वो व्यवस्थापक भी एक क्या होगी, जाति होगी, समूह हो गया, तो इसलिए वो इसका एक भाग है। फिर है व्यवसाय के नाम, व्यवसाय का मतलब होता है ना, जैसे अलग अलग उद्योग धंधे होते हैं सबका, जैसे हमारा व्यवसाय कौन सा है, जो आपके सामने बैठे हैं उनका व्यवसाय क्या है, अध्यापन, ये हम कर रहे हैं ना, ये भी एक व्यवसाय है। वैसे ही वकील या पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, तो ये सब क्या है, व्यवसाय है, तो ये भी इसका एक भाग होता है। फिर है राष्ट्रीय जो जाति होती है, बल्कि जैसे भारतीयता या जर्मन, तो जर्मन क्या होगी, वहाँ की नागरिकता होगी, तो वो भी एक क्या है, राष्ट्रीय जाति का बोध करवाती है, इसलिए समूह हो गया। फिर है आपके जाति व धर्म के नाम, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, ठीक है, इस तरह से मतलब के अलग अलग जो जातियाँ होती हैं वो भी एक समूह है। फिर आपके पशु पक्षियों के नाम, कोई भी चिड़िया वगैरह उड़ती है, कबूतर उड़ता है, तोता उड़ता है, तो हम उसका नाम तो अलग से नहीं रखा हुआ ना, हम इतना ही कहते हैं ना कि तोता आया या मोर आया, कबूतर आया, कबूतर का विशेष नाम नहीं है, इसलिए वो एक जाति है, और जाति है इसलिए वो इसका एक भाग है, इसी में आएगा। फिर आपके प्राकृतिक आपदाओं के नाम, भूकंप, बारिश आदि, वो भी इसी में आते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए आपको, पहला है समूहवाचक,
जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा एक नाम में संपूर्ण समूह या समाहित होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सेना, सभा, सम्मेलन, जुलूस, मंडल आदि। फिर आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, यहाँ पर द्रव तो है लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा तो द्रव्यवाचक है लेकिन हम उसको शामिल करते हैं ठोस, द्रव और गैस में, बल्कि ये वो सब इसके अंग होते हैं। जैसे पानी, बताओ इसके क्या क्या होते हैं। पानी आपको पता है तीनों में होता है, ठोस यानी कि बर्फ, फिर द्रव यानी कि जल, फिर गैस यानी कि भाप। एक ही चीज़ तीनों, तो इस तरह से ये सब द्रव्य कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, धातुएं, सारी वो भी इसी में आएगी, ऑक्सीजन, गैस वगैरह, तेल सब। फिर आपके अंतिम भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा भाव का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपको पता है ना, दया, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, करुणा, वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब जैसे माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, वो वात्सल्य कहलाता है। फिर इसमें इस तरह से भाववाचक में उदाहरण देख सकते हैं आप, मानवता, पुरुषत्व, अपनापन, अच्छाई, भलाई, बुढ़ापा या युवा, ये सब इसमें आए। ठीक है, ये था आपके आज का मुख्य प्रकरण संज्ञा। अगले कलांश में एक नए विषय पर बात करेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।